नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो गाइस, म्यूजिक अच्छा सबको लगती है बट सबको बनाना नहीं आता। भैया अभी जमाना जो है डिजिटल की है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक लैपटॉप कंप्यूटर है, तो उसके जरिए आप म्यूजिक बना भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे बताएंगे जिसका नाम है मैजिक्स म्यूजिक मेकर, जो अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। ये एक म्यूजिक मेकर सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत ही अच्छा तरीके से बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। वीडियो देख के वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आने वाला वीडियो के अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस सॉफ्टवेयर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। बट इस सॉफ्टवेयर का खास बात यह है कि ये काफी कुछ चीजें आपको फ्री में मिलता है, फ्री वर्जन में भी काफी कुछ मिल जाता है, जैसे कि अभी मैं फ्री वर्जन है आपको यूज करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, इसको यूज करके आप अच्छा खासा म्यूजिक बना सकते हो। तो आपको इसको इंस्टॉल करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सारे चीजें समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट लूप्स वगैरह है, कुछ सैंपल्स है जो आप इसको इस्तेमाल करके इसको काफी और भी इसको मॉडिफाई करके अपने लिए यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, कीबोर्ड है जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। सो एक कीबोर्ड है, ये लूप्स में जाएंगे तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट का एक सेगमेंट आएगा, यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इंस्पेक्टर और टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में आपको वीडियो टेम्पलेट्स और ऑडियो टेम्पलेट्स दोनों मिल जाता है। वीडियो टेम्पलेट्स दोस्तों देखते हो यूट्यूब में काफी सारा चैनल्स है जहाँ पे म्यूजिक बजते हैं इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, और ग्राफिक दिखता है आपको वीडियो में, तो इस टाइप का ग्राफिक आप यहीं पे बना सकते हो। तो ड्रम्स पे क्लिक करते हैं, देखिए ये जो म्यूजिक है आपने माइकल जैक्सन का कोई ना कोई डांस में आपको ये बीट जो है कभी ना कभी सुने होंगे आप, देखिए। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो और टाइमलाइन पे लेके आ सकते हो यहाँ पे। और ये है इफेक्ट्स, इसमें काफ़ी इफेक्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इफेक्ट्स में क्लिक करते हैं, और तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको चाहे तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा और खींच सकते हैं इसको। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चीजें हैं, आपको गिटार का थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है सब इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मन को शांत कर देता ये म्यूजिक। आप सुन पा रहे हो, तो
इसको भी यहाँ पे ड्रैग करके, क्योंकि आपको एक डेमो हम यहाँ पे दिखा देंगे फाइनल रेंडर करके एक्सपोर्ट करके, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और उसके बाद आपको बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है। और बाकी इसका जो प्लगइन है आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा, और उसके ज़रिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है NCS, आपने यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप के NCS का आपको म्यूजिक सुनने के लिए मिल जाएगा। चलो इसको हमने ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले लिया। तो ये म्यूजिक आप हिंदी फिल्मों की बैकग्राउंड में बहुत बार सुने होंगे इस टाइप का। अभी जो सुन रहे हो ये आपको चार्ली चैप्लिन की ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में आपको बहुत बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। देखिए काफी अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से जो भी इसका इनबिल्ट पे एसेट्स मिल जाएगा आप उसको यहाँ पे टाइमलाइन पे ले सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ से इसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो और भी बहुत सारे। तो देखिए हमने जैसे कि यहाँ पे ये लिया था टाइमलाइन पे, तो अभी इसको हम मार्च करके अच्छा अच्छा छोटा सा क्लिप बना सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें एक साथ आपको रेंडर करने के लिए फाइल पे जाना है, और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप वीडियो कर सकते हो और ऑडियो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑडियो ही कर रहे हैं, वीडियो करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑडियो करना है तो आपको यहाँ पे ऑडियो का जो भी आपको फॉर्म अच्छा लगता है वो करना है। तो मैं यहाँ पे WAV जो है ये वाला चूज़ कर रहा हूँ। सो चलिए हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने ये जो है ये पूरा मैं एज इट इज़ रख देता हूँ। सो न्यू वेव सक्सेसफुली शेप्ड। तो दोस्तों ये जो हमें अभी रेंडर किया है वही छोटा सा क्लिप है जो मैं विंडोज मीडिया प्लेयर से आपको प्ले करके सुना रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप अपना खुद का म्यूजिक एक कंपोज कर सकते हो। या आपको वीडियो देखने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।